જગત કલ્યાણ કરવાની હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની આખી આ દુનિયા પામો સુખ શાંતિ ભાવી લ્યો ભાવના દિલ થી દુનિયાની અંદર તું એ ફરે છે કલ્યાણ કરશે શિવ શ્રી થશે કેવળ સતકામી કેવળ સતકામી તેને શાતા જ મળવાની હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની નીતિ થી રળતા 99 વધશે શાંતિ કર જીવન નિસર્ગમ અનિતિ થી રળતા 99 ઉદ્વેગ સર્વૈયે કર્મો ના બંધન આ જીવન નો હે તું જાણ જીવન નો હે તું જાણ છે સિદ્ધિ જ માનવને તરવાની હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની ઉધામ રઘવાટ અધર્મ ના ફળ સદધર્મે નિષ્પન્ન સ્થિરતા અક્રમ ના સિદ્ધાંત ત્રિકાળીય પર જ્ઞાનિષ્ક્રિયાકારી મિલતા આ દાદાનું દર્શન છે દાદાનું દર્શન છે જગત કલ્યાણ સંપ્રાપ્તિ હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની સહેજે મળેલી પ્રાપ્ત ફરજને નિષ્ઠાથી બજવે માનવ સતયુગ સામો આવીને ભેટે કરજે પ્રયોગી અનુભવ તારી અંદર છે પરમાત્મા અંદર છે પરમાત્મા જે શક્તિ માગીશ તે મળવાની હવે એક જ છે ઈચ્છા
હવે એક જ છે ઈચ્છા જગત કલ્યાણ કરવાની જગત કલ્યાણ चैप्टर 67। कोई भी इच्छा होना भीख है। इच्छा प्रज्वलित अग्नि है। जब तक इच्छा पूरी नहीं होती तब तक मनुष्य जलता ही रहता है। एक इच्छा पूरी भी नहीं होती वहां दूसरी आकर खड़ी हो जाती है, एक के बाद एक आती ही रहती है। जगत में वस्तुएं असंख्य है और मनुष्य की इच्छाएं भी असंख्य है। मन का स्वभाव कैसा है कि कुछ नया नया ढूंढता ही रहता है। कुदरत कहती है, मैं तुम्हें जो देती हूं उसे ही यथातथ मानो, न्याय मानो, व्यवस्थित है ऐसा मानो। तुम्हारी सभी इच्छाएं मैं धीरे धीरे मेरी सुविधा के अनुसार पूरी कर दूंगी। आपको जो इच्छाएं होती हैं वे पूरी तो अवश्य होंगी, लेकिन उनका विचार करने से कोई फायदा नहीं, उल्टे अड़चने आएगी। प्रत्येक इच्छा की पूर्ति होती है यह नियम है। जहां इच्छा करते हैं वहां अंतराय आते हैं। इस हवा की इच्छा होती है? नहीं, इसी कारण उसके अंतराय खड़े नहीं होते। जहां सूक्ष्म भी इच्छा है वहां वस्तु प्राप्त नहीं होती। लक्ष्मी के अंतराय कब तक होते हैं? जब तक कमाने की इच्छा होती है। लक्ष्मी की ओर से लक्ष्य हट जाए तो वह ढेरों आएगी। इच्छा अंतराय कर्म है। जैसे जैसे इच्छा घटती जाती है वैसे वैसे अंतराय टूटते जाते हैं, फिर तो सभी वस्तुएं प्राप्त होती है। जिसके विचार तक नहीं आएंगे वह वस्तु आपके यहां हाजिर होगी, और जिसके बहुत विचार आते हैं वह आपके यहां हाजिर नहीं होगी। जिन वस्तुओं के विचार नहीं आते उन वस्तुओं का कुदरत संभाल लेती है, और जिनके बारे में बहुत विचार आते हैं उनका कुदरत नहीं संभालती। इच्छा संयोगों के दबाव के कारण उत्पन्न होती है। अभी यहां किसी को रजाई ओढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन अचानक सर्दी बढ़ जाए तो सभी को ओढ़ने की इच्छा होती है। खाने पीने से संतोष मिलता है लेकिन तृप्ति नहीं, संतोष में फिर से विचार आते हैं। खीर खाने के बाद संतोष होता है लेकिन फिर से उसकी इच्छा होती है। तृप्ति में फिर से इच्छा नहीं होती, उसका विचार तक नहीं आता। संतोष मनोवैज्ञानिक परिणाम है, वह लंबा टिकता नहीं। इच्छा तो परवशता है, इच्छाएं पुद्गल यानी देह करती है, उन्हें कैसे दबाया जाए? ज्ञान के बिना इच्छा जाती नहीं। कोई भी इच्छा होना भीख कहलाता है। जो निरीक्षिक होते हैं वे ज्ञानी कहलाते हैं। जिनकी सभी प्रकार की भीख मिट गई हो उनके हाथ में जगत की बागडोर सौंपी जाती है, लेकिन भीख जाए तब ना। कितने प्रकार की भीख होगी? मान की भीख, लक्ष्मी की भीख, कीर्ति की भीख, विषयों की भीख, शिष्यों की भीख, मंदिर बनवाने की भीख, सभी
तरह तरह की भीख है। ऐसे में हमारा क्या भला होगा? संपूर्ण भीख जाने पर ही, संपूर्ण याचकता जाने पर ही यह जगत जैसा है वैसा दिखाई देता है। जिनकी सभी प्रकार की भीख मिट जाती है, उन्हें स्वतः ही इस जगत की सत्ता हाथ आ जाती है। जिन्हें यश की भूख नहीं होती, उन पर देवलोक राजी होते हैं। पूरा जगत हम पर खुश रह सकता है, लेकिन हमारी याचकता के कारण ही कोई खुश नहीं रहते। अक्रम विज्ञानी पूज्य दादा भगवान ने कितनी सुंदर बात कही है कि मनुष्य तो परमात्मा ही है, उसमें अनंत ऐश्वर्य प्रकट हो सकता है, उसने इच्छा की इसलिए वह मनुष्य बन गया, अन्यथा स्वयं ही जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, लेकिन इच्छा के अंतराय के कारण वह प्राप्त नहीं कर पाता। जिनकी सभी प्रकार की भीख मिट जाती है, उन्हें ज्ञानी का पद मिलता है। याचकता मिट जाए तो आप स्वयं ही परमात्मा है। मोक्ष की इच्छा करने से बाकी की सभी इच्छाएं मिट जाती है। हम तो आत्मा के ग्राहक हैं। इच्छा करनी भी हो तो सिर्फ आत्मा की ही इच्छा करने जैसी है, बाकी सब चीजें तो अपने आप ही आती है, इच्छा भी नहीं करनी पड़ती। जिस इच्छा में किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, किसी से कुछ लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं, वह शुद्ध निर्भेड़ इच्छा कहलाती है। वही इच्छा फलीभूत होती है। इच्छाएं तो सभी की पूरी होने वाली ही है। जब इच्छा मिट जाती है तब वस्तु की प्राप्ति होती है। कुदरत का नियम क्या कहता है कि इच्छा होने पर तुरंत वस्तु मिल जाए तो वे फिसल जाते हैं, अधोगति में जाते हैं। इच्छा होती है तब वस्तु का ठिकाना नहीं होता, वस्तु नहीं मिलती, और जब मिलती है तब उसकी इच्छा नहीं रहती, यह ऊर्ध्व गति में ले जाता है। अतः ठोकरे खाने के बाद वस्तु की प्राप्ति होती है, वही लाभप्रद है। ऐसे में निरीक्षिक ज्ञानी जो भौतिक वस्तुओं के प्रति निष्प्रिय यानी कि निरीक्षिक और आत्मा के लिए सस्प्रिय यानी कि इच्छुक है, ऐसे सस्प्रिय निष्प्रिय ज्ञानी मिल जाए तो उनके ज्ञान से हमारी सभी प्रकार की भीख मिट जाती है। फलस्वरूप बहिर्मुख में से अंतर्मुख दशा प्राप्त होती है और परमात्मा पद प्रकट होने लगता है। इसके लिए भेद विज्ञानी आत्मज्ञानी को खोजने की आवश्यकता है। साथ ही ब्रह्मांड के श्रेष्ठ पद को धारण करने वाले अरिहंत की शरण स्वीकार करने की आवश्यकता है। जिनके प्रत्यक्ष दर्शन से हमें आत्यंतिक मुक्ति मिलती है। हाइलाइट्स: इच्छा प्रज्वलित अग्नि है। जब तक इच्छा पूरी नहीं होती तब तक मनुष्य जलता ही रहता है। याचकता मिट जाए तो आप स्वयं ही परमात्मा है। जहां सूक्ष्म भी इच्छा है वहां वस्तु प्राप्त नहीं होती। लक्ष्मी के अंतराय कब तक होते हैं? जब तक कमाने की इच्छा होती है। लक्ष्मी की ओर से लक्ष्य हट जाए तो वह ढेरों आएगी। इच्छा अंतराय कर्म है।